अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है असल खारजों के बात करेंगे। ओमान में खारजों की जॉब्स के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नई गाइडलाइन इशू कर दी है, जिसके मुताबिक शॉपिंग मॉल्स के अंदर और सुपर मार्केट्स के अंदर कस्टमर सर्विस, कैशियर, करेंसी एक्सचेंज, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी जॉब्स हैं और शेल्फ स्टैकर जितने भी हैं, यानी जो लोग शेल्फ में सामान की तरतीब वगैरह लगाते हैं, निकालते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ये तमाम जॉब्स जो हैं 20 जुलाई के बाद सिर्फ ओमानियों को दी जाएंगी। खारजों के लिए ये जॉब्स बंद कर दी जाएंगी। और यह भी कि जो लोग ऑलरेडी इन जॉब्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जब भी जैसे ही उनका वीज़ा एक्सपायर होगा तो वो वीज़ा रीन्यू नहीं होगा। यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनका जब तक वीज़ा है वो काम करेंगे, उसके बाद उनका वीज़ा रीन्यू नहीं होगा, सेम जॉब नहीं कर सकेंगे। आज 2 मई 2021 इतवार का दिन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है। इससे पहले भी अनाउंसमेंट की गई थी, अब जो है उन्होंने गाइडलाइन भी दे दी है कि ये जॉब जो हैं 20 जुलाई के बाद वाकई ही ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ ओमानियों को जॉब दी जाएंगी शॉपिंग मॉल्स के अंदर और सुपर मार्केट्स के अंदर। बाकी जो इंडिविजुअल शॉप्स हैं उनके मतलब ऐसे कोई बयान नहीं है। सर जो सुपर मार्केट है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पर ये जॉब जो हैं ख़त्म होंगी। कस्टमर सर्विस, कैशियर, मनी एक्सचेंज, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी जॉब्स हैं वहाँ पर मॉल्स के अंदर या सुपर मार्केट में, और शेल्फ स्टैकर जितने भी हैं, ये तमाम जॉब्स सिर्फ ओमानियों को दी जाएंगी 20 जुलाई के बाद। खारजियों के लिए ये जॉब बंद कर दी जाएंगी। और ये रिपीट कर रहे हैं दोबारा से एक्चुअली, और ये भी कि जिन लोग जो लोग इन जॉब्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे उनका वीज़ा एक्सपायर होगा उनका वीज़ा रीन्यू नहीं होगा, और ये रूल 20 जुलाई से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह खैर। इसके अलावा जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इससे बेहतर जो है नेमल बदल अता फरमाए। जितने भी लोग जॉब जिनकी ख़त्म हो रही है, बिजनेसेस के बड़े मसले हैं, तो अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए और सबको बेहतर नेमल बदल अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।